जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए किसी से क्या पूछना। कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, चार लोग को लेके जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं, पांच लोग को लेके जा रहे हैं, और पांच लोगों में से एक ने किसी ने कह दिया बाल छोटा है लड़की का, तो बाल में कहां घुसे जा रहे हो, बाल स्टैंड एक्सटेंड करवा लेंगे, बड़ा करवा लेंगे। पांच लोगों को लेकर लड़की देखने जाओगे, तुम्हारी शादी कभी होगी ही नहीं, और लड़की देखने जाना मत, और जब भी लड़की देखने जाओ तो शीशा भी लेकर जाओ, एक बार लड़की को देखो, एक बार अपना भी शीशा चेहरे में देखो। हिंदुस्तान में लोग लड़की देखने जाते हैं, इतनी औकात है तुम्हारी, लड़की देखने जाओगे? और जब भी किसी लड़की को देखने जाओ तो शीशा भी ले जाओ जेब में, और जब किसी लड़की के बाप से दहेज मांगो तो यहां मत्थे पे लिख के जाओ, अपने मत्थे पर, अपने पापा के मत्थे पे, कि हम भिख मंगे, हमारे अब्बा भिख मंगे। लड़की वाले तो देना ही चाहते हैं, उनसे क्या मांगना, लड़की तो दे ही रहे हैं सर, और किसी का जीवन ले लोगे? और आजकल के तो मां बापों से बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए सर, वो बाप अपना पूरा जीवन लगा देता अपनी बच्ची को पढ़ाने में। और लड़कियों से मैं कहूंगा कि अगर तुम दहेज प्रथा को खत्म करना चाहती हो तो जमकर पढ़ो, सिलेक्शन लो, तुम दहेज लो, बेरोजगार लड़कों से शादी करो, हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट शुरू करो। ये कितना क्या चाहिए इनको, लड़कों को एक पैकेट बड़ी गोल्ड फ्लेक बस, महीने में दे दो 5,000-10,000 रुपए, ये ले जरा, ये ले, है नहीं मालकिन नहीं, हाँ ये ले 5,000 रख ले, गोल्ड फ्लेक गोल्ड मंगा लेना, आराम से रहियो, बच्चे को स्कूल छोड़ दिया करो कायदे से। ये मैं लड़कियों से रिक्वेस्ट करता हूं, इतना पढ़ो जान लगा दो, तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारी सामाजिक स्थिति को बदल सकता, कानून कभी नहीं बदलेगा इस देश में, कानून का सहारा मत लो, अपना सहारा लो। ये विलियम सेकंड, विलियम सेकंड किसका है?